नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और वाइवा होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है, जो आप उन सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। दोस्तों जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को पढ़ा था, सिम उसी तरीके से इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका रिटेन एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा तीनों कराए जाएंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 70 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट चौथा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है सर्वेइंग फर्स्ट। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि सिविल में सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज और सेशनल के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट पांचवा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसे शॉर्टकट में RCC स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं, इसमें भी आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज और सेशनल के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 70 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट छठा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है RCC ड्राइंग, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट ड्राइंग। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, यानी कि सिर्फ आपको ड्राइंग बनाना होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज और सेशनल के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कुल मिलाकर 70 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।